चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे एंटीमेट करें, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो आप देखेंगे कल हम लोग जो है पैरेलल कनेक्शन ऑफ द एससीआर पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि कई बार जो है आपकी जो लोड की डिमांड होती है वो सिंगल एससीआर की रेटिंग से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपकी लोड की जो करंट की डिमांड है वो सिंगल एससीआर की रेटिंग से ज्यादा है तो एक सिंगल एससीआर उस हाई करंट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो अगर उस हाई करंट की डिमांड को आप फुलफिल करना चाहते हैं तो आपको कई सारे एससीआर को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखेंगे जब भी आप अपने एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपका मेन मकसद होगा कि आप अपने एससीआर को फुल्ली यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। फुल्ली यूटिलाइज करें मतलब जितनी भी रेटिंग की डिवाइस लगा रहे हैं उनकी मैक्सिमम रेटिंग को यूटिलाइज कर पाए। उसके लिए स्ट्रिंग इफिशियंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रिंग इफिशियंसी के लिए आप देखेंगे स्ट्रिंग इफिशियंसी मैक्सिमम तभी होगी जब आपके पैरेलली कनेक्टेड एससीआर सेम करंट को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होती है कि जब आप अपने एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो अनइक्वल करंट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। अब इस अनइक्वल करंट को शेयर करने के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि चूंकि आपके जो एससीआर आपके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उनकी फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है, चाहे जितनी भी सेम रेटिंग की डिवाइस हो उनकी फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक में कुछ अंतर होगा, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो सेम वोल्टेज के लिए वो अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे। इस रीजन को अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो करंट इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं। करंट इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ नहीं होता, एक रिएक्टर या फिर इंडक्टर लगाते हैं जो सेंटर से क्या होता है, टैप्ड होता है। और ये जो रिएक्टर होता है, अगर आपके दोनों ही एससीआर सेम करंट को शेयर करेंगे तो इट इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर जो है दोनों एससीआर अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे तो एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जो करंट बड़ा होगा उसका वो अपोज करेगा और जो करंट छोटा होगा उसका वो सपोर्ट करेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ऐसा तब तक ये रिएक्टर करता रहेगा जब तक दोनों करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल होना हो जाएंगे। जैसे ही दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे आपका जो रिएक्टर है वो शॉर्ट सर्किट तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कनेक्टेड एससीआर आपके अनइक्वल करंट को शेयर इसलिए कर सकते हैं कि अगर उनके टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ, अगर पैरेलल कनेक्टेड एससीआर के टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ तो पैरेलल कनेक्टेड एससीआर आपके अनइक्वल करंट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए आपके पैरेलली कनेक्टेड एससीआर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम रखने के लिए सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड एससीआर को आप कॉमन हीट सिंक से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कॉमन हीट सिंक से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने तीन एससीआर दिए थे, और इन तीनों एससीआर को अगर मैं कॉमन हीट सिंक से कनेक्ट कर दूंगा तो आपके जो एससीआर है उनका सबका टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर सबका टेम्परेचर सेम रहेगा तो ये पैरेलली कनेक्टेड एससीआर आपके अनइक्वल करंट को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद वीआई करंट में तो उसकी वजह से कर सकते हैं, उसके लिए रिएक्टर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो जनरली टेम्परेचर की वजह से अनइक्वल करंट को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब अनइक्वल करंट, अगर टेम्परेचर सबका सेम है तो आपके अनइक्वल करंट को शेयर नहीं करेंगे टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी जो हीट सिंक आप यूज करते हैं, मैंने बोला था जो आप कॉमन हीट सिंक यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। दैट इज जो कॉमन हीट सिंक आप यूज करते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का होता है, होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो आप देखेंगे अगर मेरा जो हीट सिंक है, जो कॉमन हीट सिंक है, अगर वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो जनरली आपके जो है उनका टेम्परेचर भी सेम रहेगा, और साथ ही साथ हर एक वायर में सेम करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से थायरिस्टर आपके सेम करंट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अभी जो कॉमन हीट सिंक है, हीट सिंक भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा आपका असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते, क्योंकि असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक में आप देखेंगे टेम्परेचर तो सेम होगा क्योंकि हीट सिंक कॉमन है, लेकिन असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का अगर हीट सिंक यूज करेंगे तो जब आप कंडक्टर पास करेंगे तो कंडक्टर में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आप जो कंडक्टर होंगे वो अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे, और अनइक्वल करंट को अगर शेयर करेंगे तो बेटा आपके थायरिस्टर भी अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे। इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमेशा जो कॉमन हीट सिंक यूज किया जाता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल हीट सिंक यूज किया जाता है। तो मैं आपको बात करता हूं असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपका जो आपके थायरिस्टर है
या फिर आपके जो कंडक्टर हैं अगर वो असिमेट्रिकल दैट इज असिमेट्रिकल हीट सिंक कॉन्फिगरेशन में कनेक्ट है तो भी वो अनइक्वल करंट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज अलग अलग हो। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं असिमेट्रिकल के लिए बता रहा हूँ फिर सिमेट्रिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ना, तो मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस, पैरेलली कनेक्टेड डिवाइस के टेम्परेचर में अगर डिफरेंस हुआ तो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से आपके पैरेलल कनेक्टेड एससीआर अनइक्वल करंट को शेयर कर सकते हैं। इसलिए पैरेलली कनेक्टेड एससीआर के टेम्परेचर क्या होने चाहिए, सेम। टेम्परेचर को सेम करने के लिए कॉमन हीट सिंक यूज करते हैं, कॉमन हीट सिंक। अब हीट सिंक भी दो प्रकार का होगा, एक होगा असिमेट्रिकल हीट सिंक, तो पहले मैं असिमेट्रिकल हीट सिंक के बारे में बात कर रहा हूं। दैट इज फर्स्ट स्टेज असिमेट्रिकल, हाँ लेक्चर अपलोड करा देंगे परेशान ना हो, असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल हीट सिंक में क्या दिक्कत है, असिमेट्रिकल हीट सिंक, असिमेट्रिकल हीट सिंक आपका एक कॉन्फिगरेशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, मतलब आपके तीनों के तीनों जो एससीआर हैं या फिर आपके कंडक्टर हैं वो हॉरिजॉन्टली आपके क्या है कनेक्ट है। असिमेट्रिकल हीट सिंक इज नोन एज ए, इट इज नोन एज, नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन, ओरिजेंटल कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। चलिए मैं आपका असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक बना रहा, असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक, और असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक में जो आपके कंडक्टर होते हैं या फिर आपके थायरिस्टर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर ये है, एक वायर इसके पैरेलल में और तीसरा वायर इसके पैरेलल, इस तरह होंगे, ऐसे भी रख सकते हैं वर्टिकली, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, एक वायर फिर इसके बगल में दूसरा वायर और फिर इसके बगल में तीसरा वायर, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल, इस तरह बोलिए, या फिर इस तरह आप देखेंगे लाइनें आपकी जो है पहले एक ऊपर होता है आर से, फिर वाई फेज और फिर आपका बी फेज, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है, इस तरह भी कर सकते हैं आर फेज वाई फेज एंड बी फेज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन या फिर असिमेट्रिकल हीट सिंक, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन जो कि आपका असिमेट्रिकल प्लेसिंग होगा, ठीक है, या फिर आपका असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। कॉमन हीट सिंक का मतलब सबका जो है जो हीट सिंक है वो कॉमन है, और वो हीट सिंक जो आपने लगाया है वो कैसा है, आपके उसमें जो कंडक्टर है या फिर थायरिस्टर है वो आपके कैसे हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द सिमेट्रिकल डायग्राम, कॉमन हीट सिंक है, लेकिन इस कॉमन हीट सिंक में जो आपके थायरिस्टर हैं या फिर कंडक्टर वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। दिस इज ए हीट सिंक, मेरे पास तीन आपके कंडक्टर हैं, ठीक है, आर फेज वाई फेज बी फेज, आर फेज में भी एक थायरिस्टर लगा होगा, वाई फेज में भी एक थायरिस्टर लगा होगा, बी फेज में, तो मैं कंडक्टर दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन में आपके कंडक्टर लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन को असिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन भी बोलते हैं, फिर असिमेट्रिकल प्लेसिंग बोलते हैं, और अगर आपके कंडक्टर असिमेट्रिकल है फिर हॉरिजॉन्टल है तो दैट इज द थायरिस्टर भी आपके हॉरिजॉन्टली लगे होंगे, और ये जो कॉमन हीट सिंक है, दिस कॉमन हीट सिंक इज नोन एज ए असिमेट्रिकल हीट सिंक, ठीक है। नाउ दिस इज द थ्री कंडक्टर, तीन एग्जाम्पल लिए थे, तीन थायरिस्टर लिए थे, तीन थायरिस्टर आर फेज वाई फेज एंड बी फेज का, ठीक है, और इन तीनों को आपने कंडक्टर को आपने असिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन में रखा हुआ। नाउ दिस इज आर फेज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज, ये कंडक्टर है, इस पे एक थायरिस्टर लगा होगा, इस पे एक थायरिस्टर लगा होगा, इस पे एक थायरिस्टर लगा होगा, ये कंडक्टर बना है, आर फेज का कंडक्टर वाई फेज का और बी फेज का कंडक्टर है, इसमें एक थायरिस्टर लगा है जिसमें दूसरा, ठीक है। अब ये जो इन तीनों थायरिस्टर को आपने कॉमन हीट सिंक, ये हीट सिंक है तीनों के, क्या है कॉमन, तो दिस इज कॉल्ड द, दिस इज नथिंग बट नोन एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग, आपके कंडक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग में आपने जो हीट सिंक लगा रखा है कॉमन हीट सिंक है, दिस इज कॉमन हीट सिंक, दिस इज असिमेट्रिकल प्लेसिंग में जो कॉमन हीट सिंक होता है दैट इज कॉल्ड द असिमेट्रिकल हीट सिंक विल बी देयर, दिस इज द आर फेज, दिस इज आर फेज का कंडक्टर है,
वाई फेज का कंडक्टर है, ये बी फेज का कंडक्टर है, ठीक है। और यहां पर मैंने हीट सिंक लगा रखा है, दिस इज अ कॉमन हीट सिंक। हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉमन हीट सिंक लगाते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉमन हीट सिंक लगाया है, इस कॉमन हीट सिंक को बोलते हैं असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर प्लेसिंग में जो आप कॉमन हीट सिंक लगाते हैं, दिस हीट सिंक की जुनून है जो असिमेट्रिकल, ये आपका मैं लिख देता हूं पहले, ये क्या है, कॉमन हीट सिंक है, दिस इज ए कॉमन हीट सिंक, ये कॉमन हीट सिंक है। अब कंडक्टर की जो प्लेसिंग है, हेलो, ये जो कंडक्टर की प्लेसिंग है ये असिमेट्रिकल प्लेसिंग है, असिमेट्रिकल या फिर हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में कंडक्टर रखते हो, दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेसिंग, हॉरिजेंटल प्लेसिंग प्लेसिंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर आपके हॉरिजेंटली रखे गए हैं, कॉन्फिग्रेशन या फिर हॉरिजेंटल प्लेसिंग को ही बोलते हैं असिमेट्रिकल प्लेसिंग। असिमेट्रिकल प्लेसिंग असिमेट्रिकल प्लेसिंग कॉन्फिग्रेशन ऑफ कंडक्टर बोलिए या फिर थायरिस्टर बोलिए, और थायरिस्टर ठीक है। अब जो है ये ध्यान से देखे, जब आपके कॉमन हीट सिंक में हॉरिजेंटल प्लेसिंग या फिर असिमेट्रिकल प्लेसिंग करते हैं, तब ये आपका जो है जो हीट सिंक हो गई, ये कॉमन हीट सिंक क्या कहलाएगा, असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक में आप देखेंगे टेम्परेचर तो सेम होगा, टेम्परेचर की वजह से करंट सेम होगा, लेकिन इसमें दिक्कत है जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से हर एक थायरिस्टर आपका अनइक्वल करंट को शेयर कर लेगा, इसलिए ये प्लेसिंग यूज नहीं की जाती है या फिर ये कॉमन हीट सिंक नहीं यूज। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दिस होल एक बजे तक असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। अब देखो, चूंकि मैंने कॉमन हीट सिंक लगा रखा है तो तीनों थायरिस्टर का टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर की वजह से तीनों थायरिस्टर में सेम करंट है, लेकिन असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में एक दिक्कत होती है, फ्लक्स लिंकेज की वजह से आपका तीनों फेज में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, तो तीनों फेज में जो थायरिस्टर लगे उनसे करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और तीनों फेज में अगर जो है तीनों थायरिस्टर से अगर आपका शेयरिंग ऑफ करंट अलग अलग है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए इसको यूज नहीं करते। मैं अब आपको दिखा रहा हूं फ्लक्स लिंकेज, मैंने आपको बताया था एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स,
ठीक है, एक करंट करेंगे, आर फेज में भी करंट फ्लो करना होगा। देखो हीट सिंक कॉमन है तो तीनों थायरिस्टर का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है तो तीनों थायरिस्टर सेम करंट फ्लो कैरी करेंगे, तीनों थायरिस्टर सेम करंट कैरी करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए जब ये तीनों थायरिस्टर या फिर तीनों फेज करंट को कैरी करेंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स जब दूसरे कंडक्टर से लिंक करेगा, जब ये फ्लक्स दूसरे कंडक्टर से क्या करेगा लिंक करेगा, तो फ्लक्स लिंकेज अलग अलग होगा हर फेज से, और फ्लक्स लिंकेज अगर अलग अलग होगा तो उसकी वजह से तीनों फेज के जो कंडक्टर होंगे वो आपके अलग अलग करंट को कैरी कर जाएंगे। तो असिमेट्रिकल या फिर होरिजेंटल प्लेसिंग में दिक्कत है कि फ्लक्स लिंकेज की वजह से करंट कैसा होता है, अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे, और अगर तीनों फेज में अलग अलग करंट होगा तीनों थायरिस्टर अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे, टेम्परेचर की वजह से अलग अलग नहीं हुआ, फ्लक्स लिंकेज की वजह से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पर डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे, डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताएं, आर फेज और वाई फेज के बीच में, आर फेज और वाई फेज के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, वाई फेज और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना डिस्टेंस है कैपिटल डी, और बेटा वाई फेज और बी फेज के बीच में कितना डिस्टेंस है दैट इज 2d। अब चलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूं, फ्लक्स लिंकेज टेम्परेचर की वजह से आपका जो करंट सेविंग होगी वो अलग अलग, लेकिन फ्लक्स लिंकेज आपका जो है कैसा हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तीनों फेज करंट को कैरी करें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो करता है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इतना लिख लीजिए भाई। लेकिन सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन में आप देखेंगे टेम्परेचर भी सेम होगा और फ्लक्स लिंकेज भी सेम होगा, तो आपका तीनों के तीनों फेज सेम करंट को कैरी करेंगे, सेम करंट को कैरी करेंगे तो थायरिस्टर भी सेम करंट को ही कैरी करेंगे, तो हमेशा सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मैं दिखा रहा हूं, देखते जाइए, पहले तीनों फेज के कंडक्टर को मैं बना रहा हूं, एक आर फेज का है, इसके नीचे वाई फेज का और बी फेज का, मैं फ्लक्स लिंकेज दिखा रहा हूं, देखिए जरा, टाइम से आए, हेडिंग वेडिंग मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैंने आपको बताया है टाइम से क्लास करें, हो गया, हो गया। चल तो होरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन या फिर असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में तीनों कंडक्टर को मैं दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखें। चल तीन कंडक्टर हैं, ये वाई फेज का कंडक्टर है, आर फेज का कंडक्टर है, वाई फेज का कंडक्टर है, ये बी फेज का कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। दिस इज आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है और ये बी फेज का कंडक्टर है, ठीक है। आर फेज के कंडक्टर में मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन, वाई फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई टू, और बी फेज के कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई थ्री, ठीक है। तीनों फेज में करंट फ्लो करेगा, तीनों फेज के कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, टेम्परेचर की वजह से सेम करंट है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू आप मान लीजिए अभी सेम है, ठीक है। अब देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस फ्लक्स, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस, ये आपका होरिजेंटल कॉन्फिगरेशन है, दिस इज ए होरिजेंटल कॉन्फिगरेशन। आर फेज और वाई फेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, वाई फेज और बी फेज के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी, और बेटा आर फेज और बी फेज के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल टू डी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस फ्लक्स, तो आप देखेंगे आर फेज में करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस, उस फ्लक्स का कुछ पोर्शन खुद से आर फेज से लिंक करेगा और कुछ पोर्शन वाई फेज और कुछ पोर्शन बी फेज से लिंक करेगा। चलो मैं बना रहा हूं, पिंक कलर से बना रहा हूं, आर फेज का जो कंडक्टर होगा, एक करंट कैरिंग का आर फेज का जो करंट होगा उसकी वजह जो फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स का कुछ पोर्शन तो आर फेज से लिंक करेगा, कुछ पोर्शन आपका वाई फेज से क्या करेगा, लिंक करेगा, कुछ फ्लक्स आपका वाई फेज से क्या करेगा, लिंक करेगा, और कुछ फ्लक्स आपका बी फेज से लिंक करेगा। ध्यान से देखिए,
अब मैं वाई फेज का बना रहा हूं, वाई फेज का बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वाई फेज का, ठीक है। वाई फेज का जो करंट होगा उस करंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के आज में प्रोड्यूस फ्लक्स, तो बेटा वाई फेज का जो करंट होगा उसकी वजह जो फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स का कुछ पोर्शन तो बेटा वाई फेज से लिंक करेगा, कुछ पोर्शन आपका आर फेज से क्या करेगा, लिंक करेगा, और कुछ पोर्शन आपका दैट इज बी फेज से क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है ना। उसी तरह आप देखेंगे बी फेज का जो करंट होगा, बी फेज का जो करंट होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही ऑलवेज प्रोड्यूस फ्लक्स, तो बी फेज के करंट की वजह से जो आपके पास फ्लक्स आएगा, उस फ्लक्स का कुछ पोर्शन तो बी फेज से लिंक करेगा, कुछ पोर्शन आपका वाई फेज से लिंक करेगा, और कुछ पोर्शन आपका आर फेज से भी क्या करेगा, लिंक करेगा। अब मुझे इन तीनों में बताओ कि किस फेज से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। ध्यान से देखे आपका जो वाई फेज है, वाई फेज को जरा ध्यान से देखिए, वाई फेज में आप देखेंगे खुद के करंट की वजह से ये छोटा वाला आया, और बेटा इन दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर इस कंडक्टर की इससे डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहां पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, यहां पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, या फिर मैं इसको आपको दूसरे तरीके से ही बता देता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल म्यूचुअल फ्लक्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसको मैं एक और अच्छे तरीके से बता देता हूं, साफ साफ फिगर से, जिससे कि आपको और क्लियरली चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे लिंक है, डिस्टेंस बेटा अगर कम होगी तो फ्लक्स लिंकेज भी कम ज्यादा होगा। अगर आपके कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फ्लक्स लिंकेज भी ज्यादा होगा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज आर फेज का कंडक्टर है, ये वाई फेज का कंडक्टर है, और ये आपके पास बी फेज का कंडक्टर है। आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। आर फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई वन करंट फ्लो कर रहा है। वाई फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई टू करंट फ्लो कर रहा है। और बेटा बी फेज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई थ्री करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। नाउ कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, आर फेज और वाई फेज के बीच की डिस्टेंस है डी, और बेटा दैट इज वाई फेज और बी फेज के बीच की डिस्टेंस है डी, और बेटा दैट इज आर फेज और बी फेज की डिस्टेंस है टू डी, दिस इज द टू डी, क्लियर है क्या। चलो अब मैं म्यूचुअल फ्लक्स दिखा रहा हूं, चलो देखते हैं कि आपका जो है आर फेज से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। खुद के करंट की वजह से आपका फ्लक्स तो लिंक कर रहा होगा, आर फेज से खुद के करंट की वजह से तो लिंक करेगा ही, लेकिन बेटा वाई फेज और बी फेज में करंट होगा, इनके करंट की वजह से भी वाई फेज से फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। तो मैं केवल आपका म्यूचुअल फ्लक्स दिखा रहा हूं, म्यूचुअल फ्लक्स देखिएगा, खुद के करंट की वजह से खुद का तो फ्लक्स है, सेल्फ फ्लक्स नहीं दिखा रहा। तो आर फेज से टोटल कितना फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, तो आर फेज में खुद के करंट की वजह से करेगा ही, लेकिन बेटा वाई फेज के करंट की वजह से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर आगे प्रोड्यूस फ्लक्स, तो वाई फेज की वजह से आपका कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, ठीक है। वाई फेज के करंट की वजह से कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, और बी फेज के करंट की वजह से कुछ फ्लक्स लिंक करेगा। तो ये मैंने दिखाया कि ये म्यूचुअल फ्लक्स आपका बी फेज के करंट की वजह से आर फेज में इतना फ्लक्स लिंक करा, आर फेज का फ्लक्स दिखाया है वाई फेज और बी फेज की वजह, खुद की वजह से तो आएगा ही। नाउ वाई फेज में फ्लक्स लिंक के दिख रहा हूं, वाई फेज में खुद के करंट की वजह से आएगा, और बेटा आर फेज के करंट की वजह से आएगा, बी फेज के करंट की वजह से भी आएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, वाई फेज में खुद के करंट की वजह से तो आएगा, आर फेज के करंट की वजह से भी वाई फेज में फ्लक्स लिंक करेगा, और बी फेज के करंट की वजह से भी आपका फ्लक्स लिंक करेगा, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज। उसी तरह अगर मैं बी फेज के बारे में बात करूं, बी फेज में खुद के करंट की वजह से आएगा, और आर फेज की वजह से आएगा, और वाई फेज, आर फेज की वजह से बी फेज में, ग्रीन कलर का दिखा रहा हूं, दिस इज द फ्लक्स लिंकेज, और वाई फेज की वजह से भी फ्लक्स लिंकेज आएगा, नाउ दिस इज द फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। ये बताइए किस फेज से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। आप देखेंगे यहां पर ध्यान सुनिएगा, हेलो,
तीनों में देखें, ये वाला ये वाला ये वाला तो कॉमन है, हेलो, ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स तीनों में कॉमन है। अब आप देखो यहां पर जो है आपका बी फेज और वाई फेज की डिस्टेंस ज्यादा, तो ये वाला फ्लक्स लिंकेज कम होगा, आपका बी फेज और आर फेज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, ये फ्लक्स कम होगा, लेकिन ये वाला फ्लक्स क्या होगा, डिस्टेंस कम है, ये फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा। तो वाई फेज से सबसे ज्यादा फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस वाई फेज की, हेलो, वाई फेज की इस कंडक्टर से डिस्टेंस भी डी है और इस कंडक्टर से डिस्टेंस डी है, ठीक है, दोनों कंडक्टर से डिस्टेंस डी डी है। लेकिन अब अगर मैं वाई फेज की बात करूं, इस फेज की इस कंडक्टर से डिस्टेंस डी और इस कंडक्टर से डिस्टेंस टू डी है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, कम होगा। लेकिन वाई फेज में दोनों कंडक्टर से डिस्टेंस क्या है, डी और डी है, डिस्टेंस कम है, तो वाई फेज से फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। वही आर फेज की वाई फेज से डिस्टेंस तो डी है, लेकिन बी फेज से डिस्टेंस टू डी है, डिस्टेंस एक फेज से बढ़ गई तो फ्लक्स लिंकेज कम होगा, यहां भी फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, कम होगा। बी फेज में भी एक कंडक्टर से डिस्टेंस डी है और दूसरे कंडक्टर से डिस्टेंस टू डी है, डिस्टेंस बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में कंडक्टर को रखेंगे, एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे, तो जो मिडिल कंडक्टर होता है, मिडिल कंडक्टर, उससे सबसे ज्यादा फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा। लिख रहा हूं, इन हॉरिजॉन्टल या फिर एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में मिडिल कंडक्टर से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, हेलो, फ्लक्स लिंकेज विद मिडिल कंडक्टर, लिख रहा हूं, फ्लक्स लिंकेज विद मिडिल कंडक्टर, हेलो, यहां देखो मिडिल कंडक्टर, मिडिल कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर माना है, मिडिल कंडक्टर और वाई फेज के कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा है। अगर वाई फेज से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो सबसे ज्यादा इंडक्टेंस किस फेज का होगा, दैट इज मिडिल कंडक्टर का, इंडक्टेंस इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा, फ्लक्स लिंकेज ज्यादा तो इंडक्टेंस भी ज्यादा, इंडक्टेंस ज्यादा तो सबसे ज्यादा अपोजिशन कौन सा कंडक्टर करेगा करंट फ्लो करने के लिए, मिडिल वाला, दैट इंडक्टर ज्यादा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा वाई फेज का, और बेटा वाई फेज का इंडक्टिव तो ये सबसे ज्यादा पोजिशन आपका फ्लो करेगा, तो वाई फेज में सबसे कम करंट फ्लो करेगा, किसके कंपेयर में, वाई फेज, आर फेज और बी फेज, इनका फ्लक्स लिंकेज कम है, यहां पर अपोजिशन कम है, तो आर फेज और बी फेज में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वाई फेज में कम करंट। तो क्या बेटा तीनों फेज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हेलो, वाई फेज में अलग करंट है, आर फेज और वाई बी फेज में आप कमा लीजिए सेम करंट है, तो क्या करंट अलग हो गया क्या, आप देखेंगे मिडिल कंडक्टर में जो थायरिस्टर, चूंकि इस कंडक्टर मिडिल फेज में करंट कम है, तो मिडिल फेज का थायरिस्टर कम करंट को कैरी करेगा, और आपके आर फेज और बी फेज में जो थायरिस्टर लगे होंगे वो ज्यादा करंट को कैरी करेंगे। तो यहां भी आप देखेंगे कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो गया, अलग हो गया, अनइक्वल करंट को शेयरिंग करेंगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको बताया कि दैट इज अगर असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे फ्लक्स लिंकेज की वजह से करंट शेयरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज इंडक्टेंस ऑफ वाई फेज इज हायर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वाई फेज का वो भी ज्यादा होगा, पोजीशन ज्यादा होगा, तो वाई फेज सबसे कम करंट कैरी करेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, थ्योरी में भी लिख दे रहा हूं, क्लियर है। तो असिमेट्रिकल अगर कॉमन हीट सिंक लेंगे, असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक लेंगे, तो बेटा जो आर फेज वाई फेज बी फेज है उनमें जो है जो मिडिल कंडक्टर होगा उसमें फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा है तो करंट को फ्लो करने की अपोजिशन भी सबसे ज्यादा मिडिल कंडक्टर ही आपका क्या करेगा, ऑफर करेगा। अगर अपोजिशन ज्यादा होगा तो मिडिल कंडक्टर से सबसे कम करंट क्या करेगा, फ्लो, मिडिल कंडक्टर से करंट सबसे कम फ्लो करेगा, तो मतलब मिडिल थायरिस्टर से सबसे कम करंट क्या करेगा, पास करेगा, फिर शेयर करेगा। तो आप देखेंगे मिडिल कंडक्टर का थायरिस्टर अगर कम करंट को शेयर करेगा तो आपका तीनों थायरिस्टर सेम करंट को आपके शेयर नहीं करेगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लिख रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे बताएं, इंटीमेट करें। हमेशा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में पावर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, ग्रीन वाला क्या दिक्कत है तुम्हें, ज्योति, ग्रीन वाले में क्या दिक्कत है, ग्रीन वाले में क्या लिखा है, ये लिखा है कि मिडिल वाले जो कंडक्टर है, मिडिल वाले कंडक्टर से फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है, तो वो ज्यादा इंडक्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा इंडक्टेंस मिडिल कंडक्टर ऑफर करेगा, तो मिडिल कंडक्टर आपका जो है सबसे ज्यादा रिएक्टेंस ऑफर करेगा, पोजीशन सबसे ज्यादा करंट है, तो बेटा मिडिल कंडक्टर से सबसे कम करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, सबसे कम करंट मिले। एक बार और बता दें, कहा बता दें बेटा रजनी,
मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में जो मिडिल कंडक्टर होता है उससे सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करता है। अगर मिडिल कंडक्टर से सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो सबसे ज्यादा अपोजिशन करंट को फ्लो करने के लिए कौन सा कंडक्टर करेगा? मिडिल वाला। तो मिडिल वाले से कम करंट पास करेगा, मिडिल वाले का करंट कम होगा। इन दोनों में फ्लक्स लिंक ज्यादा है तो ये दोनों सेम करंट को कैरी करेंगे। तो बेटा अगर फेज में वाई फेज में सबसे कम करंट है तो वाई फेज का थायरिस्टर कम करंट को शेयर करेगा, और बी आप वाई फेज आर फेज और बी फेज का फ्लक्स लिंक सेम है तो बेटा इन दोनों थायरिस्टर में सेम करंट। तो क्या तीनों थायरिस्टर सेम करंट को कैरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मिडिल वाला अलग कर रहा है तो शेयरिंग ऑफ द करंट इन द थायरिस्टर विल बी डिफरेंट। तो आप देखेंगे इस वजह से आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करता। तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू, अगर कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग, हेलो स्पेसिंग कैसी है? असिमेट्रिकल। दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिकल स्पेसिंग। देख रहा हूं ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के बीच का जो स्पेस है वो अनसिमेट्रिकल है। ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर इन द असिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन और हॉरिजॉन्टल कॉन्फिगरेशन, द फ्लक्स लिंकेज the flux linkage with middle conductor is highest, so that inductance and reactance offered by the middle conductor is highest for the current. Hence, middle conductor in the horizontal configuration will carry smallest current. सबसे कम करंट मिडिल कंडक्टर में फ्लो करेगा, स्मॉलेस्ट करंट। ठीक है, मिडिल कंडक्टर सबसे कम करंट को क्या करेगा? कैरी करेगा, जिसकी वजह से आपका जो है अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में थायरिस्टर क्या करेंगे? अनइक्वल करंट को शेयर करेंगे, सो दैट इन असिमेट्रिकल configuration the SCR will share
अनइक्वल करंट। अगर असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में एससीआर अनइक्वल करंट को शेयर करने के लिए असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल यूज करते हैं। मैं सिमेट्रिकल में आपको दिखा रहा हूं फ्लक्स लिंकेज हर एक फेस से सेम आएगा क्योंकि स्पेसिंग सेम, तीनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस सेम है तो फ्लक्स लिंकेज भी तीनों से सेम आएगा। So that, hence, asymmetrical common heat sink is not used. देखो टेम्परेचर तो कॉमन हीट सिंक का सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर की वजह से करंट अनइक्वल नहीं होगा, फ्लक्स लिंकेज आपका जो है अलग अलग होगा जिसकी वजह से करंट अनइक्वल करंट को शेयर कर जाएगा, इसलिए इस असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को यूज नहीं करेंगे हीट सिंक के लिए, कॉमन हीट सिंक के लिए। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखा देता हूं, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में तीनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस आपकी सेम होगी, उसी को ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नीचे कर दें, ये लो नीचे कर दिया, बेटा ममता ना समझो ज्यादा अच्छा है, जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, आप आराम से बैठिए, इतना मेरे पास अब टाइम नहीं कि मैं आपको जो है पूरा डिटेल में बताऊं। चलिए हो गया, जब मैं पढ़ाता हूं तब तुम लोग सोते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अरे करंट बढ़ने से इंडक्टेंस क्यों कम हो जाएगा मेरे भाई अभिषेक गुप्ता, करंट बढ़ने से इंडक्टेंस का पोजीशन कम हो जाता है भैया, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि अगर करंट ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस, फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो इंडक्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि अब पोजीशन कम होगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब दिमाग ना हो तो फर्जी के क्वेश्चन ना पूछो। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कॉमन हीट सिंक यूज करते हैं, ठीक है। चलो नाउ भैया वो तो कम करेगा लेकिन वो तब पिक्चर में आता है कि आपका जो है ये जो आपने रिएक्टर लगाया है वो कम करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप वैसे भी देखो रिएक्टर आपने लगा रखा है वीआई करेक्टरिस्टिक की वजह से तो अंतर आएगा ही, वो रिएक्टर कम करेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिंग की वजह से भी फ्लक्स लिंकेज जो कम होगा, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है वो स्पेसिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप स्पेसिंग वैसे क्यों रख रहे हो कि आपके रिएक्टर को वर्क करना पड़े, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक थोड़ी देर तक आपकी स्टिंग एफिशिएंसी कम रहेगी, स्टिंग एफिशिएंसी पहले से ही आपकी हाई हो इसलिए जनरली हम लोग जो है जो स्पेसिंग रखते हैं वो सिमेट्रिकल ही रखते हैं जिससे कि आपका फ्लक्स लिंकेज की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं दैट इज ए सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक, सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक,
तो यहां भी हीट सिंक कॉमन होगा, लेकिन इस बार जो आपके कंडक्टर या फिर थायरिस्टर होंगे वो कैसे होंगे, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे। सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब होता है दैट इज अ ट्रायंगुलर कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कॉन्फिगरेशन, दिस इज नथिंग बट द सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक कॉन्फिगरेशन। इसमें आपके जो तीनों कंडक्टर होंगे या फिर तीनों के तीनों थायरिस्टर होंगे वो आपके इक्विलेटरल या फिर ट्रायंगुलर कॉन्फिगरेशन में होंगे। Now you can be take it here. चल, ये आपका this is nothing but the symmetrical common heat sink है। यहां पर इस symmetrical common heat sink में this is symmetrical common heat sink में यहां मैं बना रहा हूं, दिस इज ए कॉमन हीट सिंक, और इसमें जो प्लेसिंग होगी कंडक्टर की या फिर थायरिस्टर की वो सिमेट्रिकल होगी, एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। दिस इज ए कॉमन हीट सिंक। ठीक है, ये जो प्लेसिंग है वो बिल्कुल इक्वल है कंडक्टर के बीच की प्लेसिंग, ये भी डी है, दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज डी। ठीक है, तीनों आपके जो है यहां पर जो कंडक्टर है उनके तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, इसकी भी डी है, इसकी भी डी है, इसकी, अगर मैं इस कंडक्टर से कंडक्टर डिस्टेंस डी है, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस डी है, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर डी है, डी है, डी डी, लाइक सबकी डिस्टेंस क्या सेम, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर में, दैट इज इक्विलेटरल। आपकी जो सिमेट्रिकल स्पेसिंग का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्पेसिंग, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म पे रखे हुए कंडक्टर, मतलब दिस इज लाइक दिस, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये एक इक्विलेटरल, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये देखे ये वाली डिस्टेंस डी है, मैंने दिखाई है, ये वाली डिस्टेंस डी है, ये वाली डिस्टेंस डी है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज, इस पूरे को बोलेंगे ये कॉमन हीट सिंक है लेकिन क्या है, इक्वल डिस्टेंस का, सिमेट्रिकल डिस्टेंस है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस होल इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक, दिस इज ए सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। और बेटा ये जो स्पेसिंग होती है कंडक्टर के बीच में, सिमेट्रिकल स्पेसिंग, सिमेट्रिकल स्पेसिंग को आप इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्पेसिंग भी बोलते हैं, ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग यहां लिख देता हूं, कंडक्टर के बीच की जो स्पेसिंग है डी डी डी, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्पेसिंग, और इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग, सिमेट्रिकल स्पेसिंग। ठीक है, और आप देखेंगे इस स्पेसिंग में ये कॉमन हीट सिंक है, हेलो ये भी कॉमन हीट सिंक है लेकिन यहां पर स्पेसिंग सिमेट्रिकल है, इस कॉन्फ़िगरेशन में
जो फ्लक्स लिंक टेम्परेचर तीनों का सेम होगा, लो टेम्परेचर तीनों का सेम होगा, टेम्परेचर की वजह से कोई भी शेयरिंग आपकी अलग अलग नहीं होगी, लेकिन लेकिन यहां पर फ्लक्स लिंकेज भी सेम होगा, तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से भी आप देखेंगे तीनों के तीनों कंडक्टर से तीनों के तीनों फेस से सेम फ्लक्स लिंक करेगा, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स की वजह से भी आपका जो है सेम ही करंट आएगा, फ्लक्स लिंकेज अलग अलग नहीं होगा। देखो मैं दिखा देता हूं, हेलो आप देखेंगे इस कंडक्टर में अगर टोटल फ्लक्स लिंक के देखो तो खुद के करंट की वजह से होगा, हेलो इसको मान लेते हैं आर फेज, इसको आर फेज मान लेते हैं, इसको वाई फेज मान लेते हैं, इसको बी फेज मान लेते हैं, हेलो आर फेज से टोटल खुद के करंट की वजह से आएगा, वाई फेज की वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, बी फेज की वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, दोनों से डिस्टेंस कितनी है डी डी। वाई फेज में आप देखेंगे टोटल आर फेज के करंट की वजह से आएगा, बी फेज के करंट लोग टोटल डिस्टेंस डी डी, तो सेम फ्लक्स लिंकेज। बी फेज में आर फेज की वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, वाई फेज की वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, डिस्टेंस डी है तो फ्लक्स लिंकेज भी सेम, तीनों फेज में सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से किसी भी फेज में आपका तीनों फेज में बराबर अपोजिशन है, बराबर अपोजिशन है तो करंट भी तीनों फेज में आपका जो है क्या रहेगा सेम रहेगा, अलग अलग तीनों फेज में करंट सेम है तो तीनों थर्रेस्टर सेम करंट को करें। टेम्परेचर भी कोई डिफरेंस नहीं है तो टेम्परेचर की वजह से भी कोई सेलिंग में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स लिंकेज भी सेम है तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से भी कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों फेज में सेम करंट आएगा। तो लिख रहा हूं बेटा ये इसको बनाइए फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, जमीन में बड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में, पीठ दर्द होने लगती है। फ्लक्स लिंकेज सेम है, चेयर नहीं है बेटा, सारा सामान इधर उधर रख दिया गया है, चेयर नहीं है, फ्लक्स लिंकेज हेलो हर एक फेज से, अगर मैं वाई फेज से बात करूंगा तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो होगा दिस इज, इस कलर से दिखा रहा हूं, नीचे बिछा के ही बैठे बेटा, नीचे बिछा के बैठे हैं लेकिन पीठ दर्द होने लगती है बैठे बैठे, एक घंटा हो दो घंटा मान लो बातें करना है पीठ बैठे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंसंट्रेट होकर आप पढ़ाएंगे तो दिक्कत होने लगती है। चल कोई बात नहीं, हो गया, तो मैं लिख रहा हूं चल, इन सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक, जब सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक होगा तो तीनों फेज से इक्वल फ्लक्स लिंक करेगा, इन सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक, कॉमन हीट सिंक द फ्लक्स लिंकेज, तीनों फेज की डिस्टेंस बराबर है, फ्लक्स लिंकेज पिछले वाले में क्या था, बीच वाले की डिस्टेंस दोनों से क्या थी बराबर थी, लेकिन किनारे वाले कंडक्टर की स्पेसिंग एक की डी थी एक की टू डी थी, फ्लक्स लिंकेज विद ऑल द फेज will be same, so that inductance comma reactance and current in all the phase will be same, phase will be same, current तीनों phase में same current flow करेगा।
तो बेटा तीनों फेज के थायरिस्टर भी सेम करंट को कैरी करेंगे, इसीलिए यही कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, अब कॉमन हीट सिंक में तीनों फेज से सेम फ्लक्स लिंक करेगा, तो मैं लिख देता हूं अब शॉर्ट में जो भी चीजें मैंने बताई है कि कौन सा आपको कॉमन हीट सिंक यूज करना है, सिमेट्रिकल की असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्योंकि सिमेट्रिकल में फ्लक्स लिंकेज सेम रहेगा लेकिन असिमेट्रिकल में फ्लक्स लिंकेज आपका अलग अलग होगा, जिसकी वजह से बीच वाले से कम करंट फ्लो करेगा और अगल बगल वाले से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन सिमेट्रिकल में तीनों से सेम करंट, आपको इक्वल करंट ही शेयर कराना है। देख रहा हूं फिर व्हेन द एससीआर आर कनेक्टेड इन असिमेट्रिकल configuration then flux distribution, flux linkage distribution, flux linkage distribution between the conductor बोलिए या फिर SCR, between the conductor और SCR flux linkage जो होगा वो current के distribution को अलग अलग कर देगा। The flux linkage between the conductor और SCR will affect will affect affect the current flowing through the conductor or SCR that is unequal current sharing by the SCR so that जब भी आपके SCR पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ जो कॉमन हीट सिंक लगाएंगे दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कॉमन सिंक। हमेशा SCR को पैरेलल में सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे सो दैट व्हेन द SCR connected in parallel operation, they must always connected in symmetrical configuration over common heat sink, so that is wo jo heat sink kahlayega that is called symmetrical common heat sink, symmetrical configuration so that flux distribution between the
कंडक्टर्स और SCR इज यूनिफॉर्म सो दैट करंट थ्रू द कंडक्टर्स और SCR विल नॉट इफेक्टेड करंट आपका इफेक्ट ना हो एक समान। तो हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेचर के अगर आपके SCR के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो आपके पैरेलल कनेक्टेड SCR अनइक्वल करंट को क्या करेंगे शेयर करेंगे। तो टेम्परेचर में डिफरेंस ना करने के लिए कॉमन हीट सिंक लगाते हैं, लेकिन कॉमन हीट सिंक कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। सिमेट्रिकल होगा तो फ्लक्स लिंकेज आपका सब सेम होगा तो करंट इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूं, हेंस हो गया जो कॉमन हीट सिंक यूज करेंगे, सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक यूज करते हैं टेम्परेचर सेम रखने के लिए। चलो तो नोट करके लिख देता हूं, टू रेक्टिफाई द रीजन नंबर टू की टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वी मस्ट यूज सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। जो हीट सिंक होगा वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। मैं फिगर भी बना देता हूं दोनों का, ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक है, this is a symmetrical common heat sink. This is a symmetrical common heat sink और इसी को प्रेफर कर रहा है। This is a सिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक और इसी को प्रेफर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है असिमेट्रिकल कॉमन हीट सिंक। नाउ दिस इज
Now this is a asymmetrical common heat sink. Okay, now this is T1, T2 and this is T3. तीन थायरिस्टर हैं. This is a asymmetrical common heat sink. इसको यूज नहीं करते. This is asymmetrical common heat sink. इसको prefer, not preferred. Not preferred because flux linkage will each phase बोलिए फिर each thyristor T1 T2 T3 thyristor ही बता रहा हूँ thyristor is different so that current steering is unequal in each SCR. एक लास्ट टॉपिक रह गया है टू ट्रांजिस्टर मॉडल. और टू ट्रांजिस्टर मॉडल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि जो एससीआर का एनोड करंट होता है वो गेट का फंक्शन होता है. अगर मैं गेट करंट को चेंज करूंगा तो एनोड करंट चेंज होता है. मैं आपको बता चुका हूं. ठीक है, इस चीज को आज मैं प्रूफ कर देता हूं. और ये भी प्रूफ कर सकता हूं कि जो एससीआर होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर ऑन स्टेट. अगर आप इससे एससीआर का टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो उसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ये भी इसी मॉडल से आपका प्रूफ किया जाता है. आप एससीआर को टू ट्रांजिस्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर आप उसको टू ट्रांजिस्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो आप कुछ एनालिसिस बता सकते हैं एससीआर में क्या चीज होगी. तो मैंने आपको बताया था कि एससीआर जो है करंट कंट्रोल डिवाइस होती है. ठीक है, गेट से आप करंट को अप्लाई करते हैं और सीआर का होता है टर्न ऑन. अगर मैं गेट करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता हूं तो एनोड करंट बढ़ता है. ये चीज आज मैं प्रूफ करूंगा. और ये भी प्रूफ करूंगा कि एससीआर आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस डिवाइस होती है और हाई गेन डिवाइस होती है. अगर मैं कुछ थोड़ा सा मिली एम्पियर में गेट करंट अप्लाई करता हूं तो एससीआर से किलो एम्पियर में करंट फ्लो करता है. तो दैट हाई गेन डिवाइस एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी होती है इसमें. एससीआर कैन बी एम्पलीफाइड हाई गेन डिवाइस. इसको प्रूफ करते हैं. बहुत ध्यान समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं. ध्यान समझिएगा टू ट्रांजिस्टर मॉडल. पहला चीज है टू ट्रांजिस्टर मॉडल के जो मैं प्रूफ करूंगा कि जो एनोड करंट है वो किसका फंक्शन है. गेट करंट. अगर मैं गेट करंट को चेंज करूंगा तो एनोड करंट चेंज होगा. आपको मालूम है जैसे जैसे आप गेट करंट को इंक्रीज करते थे इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज करता था. इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज करता था तो मेजोरिटी चार्ज करिए ज्यादा पास करते थे तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता था. अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड आपका जो है बढ़ता था तो एनोड करंट का रेट बढ़ता था. और आपका जो डिवाइस है आपका एनोड करंट लैचिंग करंट कम पे तो आपकी डिवाइस कम टाइम पे ऑन हो जाती थी और ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता था. तो जैसे जैसे मैं गेट करंट को इंक्रीज कर रहा था एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था. मतलब गेट करंट को चेंज करने पे एनोड करंट चेंज हो रहा है. मतलब एनोड करंट इज अ फंक्शन ऑफ गेट करंट. और एनोड करंट को बढ़ाने पे गेट करंट बढ़ेगा. दूसरा निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट डिवाइस है और हाई गेन डिवाइस. इन तीनों चीजों को प्रूफ किया जा सकता है टू ट्रांजिस्टर मॉडल के लिए. हो गया. चले लास्ट टॉपिक है आपके एससीआर का. ध्यान से सुनिएगा. चले लिखिए टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर. एससीआर को आप दो ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी से होता है.
टू बीजेटी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसईआर के अंदर दो बीजेटी होते हैं और उसकी हेल्प से आप कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूंगा। दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। अभी आप लोग बीजेटी पढ़ भी रहे हैं या फिर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, आपको क्लियर भी होगी। दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, दैट इज एक होता है एनपीएन। ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका मैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। स्ट्रक्चरल, नाउ दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। NPN. Now this is NPN. Transistor three layer, two junction, and that is nothing but three terminal device. तीन terminal होते हैं, एक होता है collector, एक होता है base, और एक होता है emitter. This is called emitter. Transistor is a three layer, three terminal and two junction. Now कलेक्टर के पास वाला जंक्शन कलेक्टर जंक्शन कहलाता है, एमिटर के पास वाला जंक्शन एमिटर जंक्शन। यहां पर एक पीएन जंक्शन ये है, एक पीएन जंक्शन ये है, दो जंक्शन है, तो दैट इज टू जंक्शन डिवाइस, ठीक है। दिस इज ए टू जंक्शन, दिस इज द कलेक्टर के पास वाले जंक्शन को कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं और बेटा एमिटर के पास वाले जंक्शन को एमिटर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ध्यान से देखिए, this is the representation of NPN transistor. This is the NPN transistor का representation. ठीक है, अब आप देखिए जिस हेलो यहां पर देखेंगे दो टर्मिनल होते हैं, बेस आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, कलेक्टर और एमिटर आपके कंट्रोल टर्मिनल। जिस टर्मिनल में एरो बना होता है वो एमिटर होता है, एमिटर। ये जो एरो होता है ये एमिटर करंट की डायरेक्शन बताता है। तो आप देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो आपका क्या होता है, आउटसाइड निकला होता है, तो एमिटर करंट आपका बाहर की, ये एमिटर करंट की डायरेक्शन बताएगा। और बेटा अगर एमिटर करंट ट्रांजिस्टर से निकल रहा है तो कलेक्टर और बेस करंट आपके हमेशा इन कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द, जिस टर्मिनल में एरो बना होगा वो हमेशा एमिटर, या फिर जिस टर्मिनल में करंट डिफाइन होगा उसको हमेशा एमिटर टर्मिनल मानते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनिए, करंट की डायरेक्शन दिया फिर करंट डिफाइन किया, जिस टर्मिनल में करंट डिफाइन किया जाता है उसी टर्मिनल को एमिटर टर्मिनल बोलते हैं। और बेटा ये जो एरो होता है ये करंट की डायरेक्शन बताता है। नाउ दिस इज, यहां पर एरो है फिर करंट की डायरेक्शन बताइए, तो ये एमिटर होगा सिंबल में, ये कलेक्टर होगा और ये आपका बेस होगा। नाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एमिटर करंट होता है वो बीजेटी से बाहर आता है या फिर टर्मिनल से बाहर आता है, ये आपके एमिटर करंट की डायरेक्शन है। तो एमिटर करंट अगर बेटा टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो कलेक्टर करंट और बेस करंट हमेशा टर्मिनल में अंदर की तरफ हो, कलेक्टर करंट और बेस करंट हमेशा टर्मिनल में अंदर की तरफ हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन टेशन ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहां पर ये बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हेलो एमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, हेलो एमीटर कलेक्टर बेस में क्या रिलेशन है, ये बताओ। जो बीजेटी होता है, ध्यान सुने बीजेटी, हेलो
यहाँ ध्यान रखो बीजेटी चिप में आता है, बीजेटी आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो चिप दे देगा, उस चिप में जैसे ही आप इनपुट देंगे आपको इमीडिएटली आउटपुट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जो चिप होती है, चिप में हमेशा सर्किट डिजाइन होता है। हेलो, जो मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान सुनो, आपका जो बीजेटी होता है वो एक चिप सर्किट होता है, चिप सर्किट होता है। चिप के अंदर आप देखेंगे इसमें आप इनपुट देंगे तो इमीडिएटली आपको आउटपुट मिल जाएगा। बीजेटी में आप इनपुट सिग्नल देंगे, बीजेटी उसको एम्पलीफाई करके दे देंगे, एम्पलीफिकेशन करते हैं जनरली एनालॉग में। तो आप देखेंगे इनपुट देने पे आउटपुट बीजेटी मिल रहा है, मतलब अंदर सर्किटरी होता है, क्योंकि जैसे आप इनपुट देंगे करंट अंदर फ्लो करेगा तो इमीडिएटली आपको आउटपुट दे देगा। तो हमेशा किसी भी चिप में हमेशा क्या डिजाइन होता है, सर्किट। और सर्किट हमेशा कैसे पाथ को फॉर्म करता है, क्लोज पाथ को फॉर्म करता है। सर्किट क्लोज पाथ, और सर्किट के अराउंड कौन सा लॉ वैलिड होता है, केसीएल वैलिड होता है। सर्किट के अराउंड कौन सा लॉ वैलिड होता है, केसीएल। बीजेटी के अंदर, हेलो, ये जो बीजेटी है, बीजेटी के अंदर क्या डिफाइन है, क्या डिजाइन है, सर्किट डिजाइन है। हेलो, बीजेटी के अराउंड क्या, बीजेटी के अंदर क्या डिजाइन होता है, जो चिप होती है उसमें सर्किट डिजाइन होता है। इनपुट देने पर आउटपुट मिलता है, मतलब जैसे आप इनपुट अप्लाई करेंगे बीजेटी के अंदर इमीडिएटली करंट फ्लो करेगा और आउटपुट मिल जाएगा। तो जो बीजेटी है, बीजेटी के अंदर, ये बीजेटी का सिंबल है, इसके अंदर सर्किट है, और सर्किट एक क्लोज बाउंड्री होती है। किसी भी क्लोज बाउंड्री में कौन से लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, फिर कौन सा लॉ वैलिड होता है, केसीएल। किसी भी क्लोज बाउंड्री में जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट। आप देखेंगे बीजेटी के राउंड आप क्या लगा सकते हैं, केसीएल, दैट इज एमिटर। सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग कितना है, बेस प्लस कलेक्टर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, दैट इज द एमिटर। तो बीजेटी में जो एमिटर करंट होता है वो बेस और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। केसीएल लगा सकता हूं, लिख रहा हूं बेटा, इन बीजेटी, बीजेटी के राउंड केसीएल वैलिड होता है, तो दैट इज वहां से लिखेंगे केसीएल अप्लाई, सम ऑफ इनकमिंग करंट, दैट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज ऑलवेज इक्वल टू एमिटर करंट। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा करंट कौन सा होता है एमिटर और कलेक्टर और बेस में, सबसे बड़ा करंट होता है बेटा एमिटर, और सबसे छोटा करंट कौन सा होता है, बेस, और मॉडरेट बीच में कौन सा होता है, दैट इज द कलेक्टर। सबसे बड़ा करंट होता है एमिटर करंट, दिस इज द हाईएस्ट करंट, दिस इज ए हाईएस्ट, और बेटा बेस करंट सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो एनपीएन, हेलो, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से करंट निकलता है, हेलो, एमीटर से करंट निकलता है, और बेस और कलेक्टर से करंट क्या करते हैं, इन करते हैं। यहां भी बना रहा हूं आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से एमीटर करंट लीव करता है, एमीटर टर्मिनल से एमीटर करंट लीव करता है, और बेस और कलेक्टर से करंट इन करते हैं, बेस करंट एंड दिस इज कलेक्टर करंट। आपका बीजेटी कैसी डिवाइस है बेटा, बीजेटी आपका चिप होती है, चिप मीन सर्किट डिजाइन होता है, और बेटा किसी भी सर्किट, कोई भी सर्किट क्लोज पाथ को फॉर्म करता है। तो बीजेटी के अराउंड आप क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं, क्लोज बाउंड्री, लिखे इतना। अगर एमीटर करंट टर्मिनल से लीव कर रहा है तो कलेक्टर बेस करंट आपके इन करेंगे, और अगर एमीटर इन कर रहा है तो कलेक्टर और बेस से करंट क्या करेंगे, लीव करेंगे टर्मिनल से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हो गया। एक और रिलेशन होता है, ध्यान से देखिए, कलेक्टर करंट को आप एमीटर करंट के टर्म में लिख सकते हैं। हेलो, कलेक्टर, एमीटर और बेस के बीच में रिलेशन, कलेक्टर करंट को आप एमीटर करंट के टर्म में लिख सकते हैं। रिलेशन होता है बीजेटी में, इन बीजेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हर जगह यूज है। कलेक्टर करंट इज इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स ऑफ एमीटर करंट प्लस आई सी बी ओ।
दिस इज द रिलेशन। क्या सर ने ये पढ़ाया है रिलेशन कलेक्टर करंट का? क्या सर ने ये पढ़ाया है मुझे बताएं, यस या नो में? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स ऑफ एमिटर करंट प्लस ICBO, जहां पर अल्फा क्या है बेटा, व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड करंट गेन। अल्फा क्या कहलाता? करंट गेन ऑफ BJT, करंट गेन। एंड दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट। हेलो, दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट। ये लीकेज करंट है कहां से कहां, दैट इज को बोलते हैं, दिस इज द लीकेज करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन द एमिटर टर्मिनल इज ओपन। जब एमिटर को ओपन कर दिया तब आपका कलेक्टर और बेस के बीच में जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, या फिर इसको बोलते हैं व्हेन द एमिटर टर्मिनल इज ओपन सर्किट देन द लीकेज करंट फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। कोई लोग बेस टू कलेक्टर बोलते हैं, कोई कलेक्टर टू बेस बोलता है, बात एक ही है। तो मैं लिख रहा हूं ICBO, दिस इज नथिंग बट द लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर, फ्रॉम कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर टर्मिनल जो ओपन सर्किट। एमिटर टर्मिनल ओपन नहीं लिखा जाता, ये अंडरस्टूड है। कलेक्टर बेस के बीच का लीकेज करंट है जब दूसरा तीसरा टर्मिनल कैसा है, ओपन सर्किट, ओ मतलब ओपन है तीसरा वाला। और इसको कई बार कई किताबों में भी लिखा रहता है, लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्रॉम बेस टू कलेक्टर व्हेन एमिटर टर्मिनल इज ओपन। ठीक है, ये रिलेशन मैं यूज करूंगा, ये रिलेशन मैं यूज करूंगा। यहां पर एक करंट गेन जो होता है आपका BJT में, जो करंट गेन होता है अल्फा, करंट गेन जो अल्फा होता है, इसकी वैल्यू आपकी जो है लगभग 1 के आसपास होती है, और जो डिजायरेबल रेंज होती है वो 0.9 से लेकर 0.995 के आसपास होता है। जो करंट गेन अल्फा होता है, प्रैक्टिकली करंट गेन अल्फा की वैल्यू 1 के आसपास होती है, और प्रैक्टिकल रेंज होती है ये आपका 0.9 से लेके 0.995 के आसपास। देखो ये वैल्यू 1 के आसपास है ना, 1 के आसपास इतना होता है अल्फा। किसी भी चिप के अराउंड आप KCL लगा सकते हैं, क्योंकि चिप के अंदर हमेशा सर्किट डिजाइन होता है। चलो PNP ट्रांजिस्टर का भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, सिंबल बना देता हूं, उसमें भी चीजें देख लेते हैं।
चलिए, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? चलो ठीक है। चलो हम नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। उसका मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और आपका करंट की डायरेक्शन बता देता हूं। करंट हमेशा उसी टर्मिनल को एमिटर मानेंगे जिसमें करंट दिया होगा या फिर करंट की डायरेक्शन बनी होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यूज आएगा भी, मुझे दोनों ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं एससीआर को यूज करूंगा, टू ट्रांजिस्टर की मॉडल की हेल्प से एससीआर को एनालाइज करूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द नेक्स्ट डालिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। थ्री लेयर, थ्री टर्मिनल एंड टू जंक्शन डिवाइस होता है PNP. Now this is three terminal. That is three terminal में एक होगा collector, एक होगा emitter और एक होगा base. ठीक है? Now टू जंक्शन, जो कलेक्टर के पास वाला जंक्शन होगा उसको कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे और बेटा जो एमिटर के पास वाला जंक्शन होगा उसको एमिटर जंक्शन बोलेंगे। ये पीएन जंक्शन, पी और एन के बीच में जंक्शन, मतलब पी और एन के बीच में जंक्शन, टू जंक्शन डिवाइस होता है। अगर मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। ठीक है, नाउ पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की तरफ होता है, एरो ये अंदर की तरफ होता है। नाउ दिस इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। कलेक्टर दैट इज एमीटर से करंट, एमीटर टर्मिनल से करंट आपका क्या होता है, इनसाइड होता है, अंदर की तरफ आता है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बना रखी है, जिस टर्मिनल में करंट की एरो की डायरेक्शन है फिर करंट दिया होता है उसी को एमीटर बोलते हैं। तो ये एमीटर होगा सिंबल में, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। नाउ डायरेक्शन बना रहा हूं बेटा, डायरेक्शन बेटा टर्मिनल में ये जो डायरेक्शन दी होती है एरो ये बताता है एमीटर करंट, एमीटर करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर करंट होता है वो एमीटर टर्मिनल से इन करता है। अरे बेटा अगर एमीटर करंट इन किया है तो बेस और कलेक्टर से करंट क्या करेंगे, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल से करंट क्या करेंगे, आउट होगा। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of PNP transistor। ठीक है, यहां भी अगर करंट दिखाना चाहे, हेलो PNP ट्रांजिस्टर में जो एमीटर टर्मिनल होगा उससे करंट इन करेगा और बेस और कलेक्टर से करंट क्या करते हैं, लीव बेस टर्मिनल और कलेक्टर
टर्मिनल से करंट लीव करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन। और आपको मैंने बताया कि आप बीजेटी के अराउंड क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी जो एमिटर करंट होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी आप अगर लिखना चाहे तो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू होता है अल्फा टाइम्स ऑफ द एमिटर करंट प्लस आपका ICBO, दैट इज नथिंग बट द लीकेज करंट, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ये दोनों रिलेशन आपके पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर में वैलिड होते हैं। ये हाईएस्ट होगा और ये लोएस्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप अपने ट्रांजिस्टर को भी दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। मॉडल करने के बाद कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं। हो गया, चलो नाउ यू कैन सी द पिक्चर। टू ट्रांजिस्टर मॉडल एसआर को आप टू ट्रांजिस्टर की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं। लिख रहा हूं बेटा, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एसआर, ध्यान से देखिएगा, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR। SCR ये फोर लेयर थ्री टर्मिनल एंड थ्री जंक्शन डिवाइस, और उसको आप टू ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। देखिए, मुझे मालूम है एग्जामिनेशन मेट्रो में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते जाइए, हर एक क्वेश्चन कवर होगा। अगर मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब एग्जामिनेशन में भी कोई भी स्टूडेंट उसको नहीं कर पाएगा। थोड़ा नीचे करते हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं मुझसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझको इतना मालूम है। और एग्जामिनेशन में मेरा पढ़ाया हुआ अगर क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक से तो कोई कर भी नहीं पाएगा। हो गया, चले चले, हो गया, चल आ जाओ। नाउ एससीआर ये फोर लेयर, एससीआर ये फोर लेयर थ्री टर्मिनल एंड थ्री जंक्शन डिवाइस, दिस इज पी प्लस या फिर पी एन पी एन बोल सकते हैं, हेलो पी प्लस एन माइनस पी एन, दिस इज एन प्लस पी एन पी एन जंक्शन, या फिर पी 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 एन पी एन, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द नाउ दिस इज ए फोर लेयर थ्री टर्मिनल एनोड कैथोड एंड दिस इज द गेट, थ्री टर्मिनल एंड थ्री जंक्शन डिवाइस, ठीक है। चलो अब यहां मैं आपको बना रहा हूं, यहां मैंने डोपिंग नहीं लिखे, वैसे आपको मालूम है ये लेयर जो होती है हाईली डोप्ड होती है, ये आपकी लाइटली डोप्ड होती है, ये मॉडरेट डोप्ड होती है, हाईली डोप्ड। डोपिंग मैंने मेंशन नहीं किया, आपको ये डोपिंग क्लियर है, मैं आपको मॉडल बता रहा हूं। अब आप देखेंगे जो एससीआर होता है वो दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप उसको मॉडल कर सकते हैं, दो ट्रांजिस्टर से मिलके बनाओ। तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, नाउ दिस इज आई कैन बी टेक इट हियर,
नाउ दिस इज, यहां पर देखिए इन लेयर्स को मैंने 20 से कट कर दिया, एग्जैक्टली 20 से कट कर दिया, तो आपको दो ट्रांजिस्टर दिखेंगे। हेलो, इस लेयर को, इस एन लेयर को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर एन लेयर थी, यहां भी मैंने इसको एन लिख दिया, यहां भी एन लिख दिया, यहां पर पी लिख दिया, पी लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? हेलो, ये पूरी एन लेयर थी तो यहां पर मैंने एन और एन लिख दिया, पी लेयर थी पी लेयर लिख दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक ट्रांजिस्टर, आपको दिख रहा होगा पी एन पी ट्रांजिस्टर, दिस इज ए पी एन पी ट्रांजिस्टर, और एक आपको दिख रहा होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर दिख रहे होंगे। आप अपने SCR को दो ट्रांजिस्टर, टू ट्रांजिस्टर की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं। इसका ट्रांजिस्टर मॉडल बना रहा हूं, SCR का मैंने डायोड मॉडल आपको बता रखा था, एक डायोड ये था, एक डायोड ये था और एक डायोड ये था, वो डायोड मॉडल। अब मैं अपने SCR को ट्रांजिस्टर की हेल्प से मॉडल करने जा रहा हूं। SCR को कितने ट्रांजिस्टर की हेल्प से मॉडल किया जा सकता है? दो। एक आपको दिख रहा होगा, जैसे था PNP ट्रांजिस्टर, जैसे था NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे बना सकते हैं। नाउ सेम थिंग, SCR को आप दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? मॉडल कर सकते हैं। नाउ यू कैन बी सी लाइक दिस, ये पी लेयर हो गई, ये आधी एन लेयर हो गई, आधी पी लेयर हो गई। नाउ दिस इज, ध्यान से देखिएगा बेटा, नाउ दिस इज पी, दिस इज एन एन, ये दोनों इंटरनली बी से कट की गई है, इंटरनली कनेक्ट है, दिस इज पी पी बी से कट की है और ये आपका एन है। नाउ दिस इज एनोड, थर्ड लेयर में गेट होता है, नाउ दिस इज गेट एंड दिस इज कैथोड, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां पर एक आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा, दिस इज पी एन पी ट्रांजिस्टर एंड दिस इज द एन पी एन ट्रांजिस्टर, बी से कट कर दिया। हेलो, इस फिगर को मैंने बी से कट कर कैसे दिखा दिया, दिखाया आपको, क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां पर दो ट्रांजिस्टर आप यूज कर सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन, पीएनपी और एनपीएन दो ट्रांजिस्टर के हेल्प से आप अपने एससीआर को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, भैया आपको समझाने के लिए कट किया है। यहां पर आप देखेंगे 20 से कट कर दीजिए तो दो ट्रांजिस्टर नहीं दिख जाएंगे, एक आपको पीएनपी और एक आपको एनपीएन। मैंने कट नहीं किया, आपको समझाने के लिए बोला है कि अगर मैं इसको 20 से कट कर दूं तो आपको एक ये आपको दिखेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, नहीं दिख जाएगा, वही दिखा रहा हूं। दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप अपने एससीआर को मॉडल कर सकते हैं ज्योति, ठीक है। अब जरा देखो कुछ रिजल्ट मैं बता सकता, SCR को जब हम लेने जाएंगे, ध्यान सुनो, SCR को लेने जाएंगे तो SCR लेने जाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे एक आपको छोटी सी डिवाइस दी गई, इतनी छोटी सी डिवाइस होती है SCR, और उसके अंदर भी चिप होती है, सेमी कंडक्टर डिवाइस जो होती है वो हमेशा जनरली आप देखेंगे कि आईसी के फॉर्म में आती है। हेलो, किसके फॉर्म में आती है? आईसी। बीजेटी लेने जाएंगे, मॉसफेट लेने जाएंगे, सब आईसी के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सेमी कंडक्टर आपका
कैसा मटेरियल है, दैट इज सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन का बना होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जनरली आईसी के फॉर्म पे होता है, ठीक है, ध्यान सुनो। और आईसी के अंदर क्या डिजाइन होता है, आईसी के अंदर हमेशा सर्किट डिजाइन होता है। तो एससीआर को जब लेने जाएंगे ना, ये भी सिलिकॉन का बना होता है, आईसी होती है इसके अंदर, आईसी होती है तो इसके अंदर भी क्या डिजाइन होगा, सर्किट डिजाइन होगा। अगर सर्किट डिजाइन होगा तो क्लोज पाथ होगा, क्लोज पाथ होगा तो यहाँ भी क्या लगा सकते हैं बेटा, इसी भी क्लोज पाथ के अराउंड आप क्या कर सकते हैं, केसीएल वैलिड करते हैं। एससीआर में भी कौन सा लॉ वैलिड होता है, एससीआर के अराउंड भी केसीएल वैलिड होता है, ध्यान सुनिए। यहाँ बोर्ड में देखो एनोड, हेलो, यहां से कौन सा करंट अप्लाई करते हैं, गेट, यहां पर कौन सा करंट अप्लाई करते हैं, गेट। गेट करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आईजी से, गेट करंट को मैं आईजी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एनोड टर्मिनल में जो करंट है उसको मैं आईए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैथोड टर्मिनल में जो करंट है उसको मैं आईके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हेलो, कैथोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल के करंट को मैं आईके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गेट टर्मिनल के करंट को आईजी से और एनोड टर्मिनल करंट को आईजी से। इन तीनों के बीच में रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखे। एनोड टर्मिनल के करंट को आप आईए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेट टर्मिनल के करंट को आईजी से रिप्रेजेंट करो, कैथोड टर्मिनल के करंट को आईके से रिप्रेजेंट कर, कैथोड, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। इसको लिए मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं, इतना बनाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाउ इसके नीचे आपको समझाने के लिए मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं आपके एससीआर का। हेलो, एससीआर जनरली चिप में डिजाइन होता है, आईसी के फॉर्म पे होता है, इसके अंदर की सर्किटरी में आईसी डिजाइन होता है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज द गेट, ठीक है। एनोड टर्मिनल के करंट को हम आई ए बोल रहे हैं, कैथोड टर्मिनल के करंट को हम आई के बोल रहे हैं, गेट टर्मिनल के करंट को हम आई जी बोल रहे हैं। अगर बेटा एससीआर आईसी के फॉर्म में आता है तो आईसी के अंदर सर्किट डिजाइन होता है, क्या डिजाइन होता है, सर्किट डिजाइन होता है। दिस इज क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड कौन सा लॉ वैलिड है, केसीएल। तो दिस इज नथिंग बट एससीआर इज नथिंग बट आईसी के फॉर्म में आता है तो एससीआर के अराउंड भी आप क्या कर सकते हैं, केसीएल। एससीआर इज नथिंग बट क्लोज बाउंड्री, इसके अराउंड केसीएल लगा, केसीएल लगाएंगे आप तो क्या होगा, sum of incoming current is equal to sum of the outgoing current, that is nothing but आप यहां से लिख सकते हैं SCR में जब KCL लगाएंगे तो anode current plus gate current is nothing but equal to कौन सा current, cathode। ध्यान से देखिए, क्योंकि gate current आपका बहुत छोटा होता है, gate current इसको neglect कर देंगे तो anode current is nothing but called the cathode। This current and this current लगभग बराबर होते हैं, लगभग, लेकिन अगर exact relation लिखा जाए तो anode current plus gate current मिलके कौन सा current बनाते हैं, कैथोड करंट बनाते हैं। और ये दोनों करंट लगभग बराबर होते हैं क्योंकि ये निगलेक्टेड होता है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन होता है कि एनोड करंट प्लस गेट करंट इज इक्वल टू कैथोड करंट। तो यहां भी आप देखिए, हेलो हेलो, यहां बोर्ड पे देखो, जो आपका एससीआर होता है, एससीआर आपका कैसी बाउंड्री को बनाता है, क्लोज बाउंड्री, क्योंकि आईसी डिजाइन होती है एससीआर के अंदर, एससीआर के अंदर आईसी डिजाइन होती है। तो अगर आईसी डिजाइन होती तो एससीआर एक क्लोज बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी भी क्लोज बाउंड्री के अराउंड आप क्या कर सकते हैं, KCL लगा सकते हैं। दिस इज ए क्लोज बाउंड्री, और क्लोज बाउंड्री के अराउंड जब KCL लगाएंगे तो किसी भी क्लोज बाउंड्री में जितना भी करंट आएगा, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट कितना होगा, एनोड प्लस गेट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कैथोड। तो जब भी मुझे यूज करना होगा एससीआर में, एनोड करंट प्लस गेट करंट इज इक्वल टू कैथोड, इस रिलेशन को याद रखेगा, इस रिलेशन को याद रखेगा, दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब मैं आपको जो है एनोड करंट गेट का फंक्शन होता है ये आपको बता रहा हूं, टू ट्रांजिस्टर मॉडल के हिसाब से इसको निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं दो ट्रांजिस्टर बना रहा हूं एससीआर को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू ट्रांजिस्टर मॉडल बना रहा हूं, और मैं आपका वहां से एनोड करंट को निकालूंगा जो कि गेट करंट का फंक्शन आएगा।
हो गया यस सर, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, परेशान ना हो जो है। इस टॉपिक को खत्म करके ही एंड करेंगे, परेशान नहीं हूं। हेलो, यहां देखिए, अब यहां पर मैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाऊंगा और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो उसी टर्मिनल को कैथोड मानते हैं जहां पर करंट डिफाइन होता है। हेलो पीएनपी में, हेलो पीएनपी में एमीटर टर्मिनल उसी को मानते हैं जहां पर करंट डिफाइन होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उसी टर्मिनल को एमीटर मानते हैं जहां पर करंट डिफाइन, करंट डिफाइन एससीआर है ना, एससीआर में देखो कैथोड में करंट डिफाइन कर रखा है, एनोड में करंट डिफाइन कर रखा है। जिन टर्मिनल में करंट डिफाइन होगा उन्हीं टर्मिनल को ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बना रहा हूं, पहले मैं कौन सा ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, दैट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहा हूं। और देखो बेटा ये आपका जो है एन और एन आपस में कनेक्ट होंगे, पी और पी आपस में इंटरनली कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है। जब बना रहा हूं पीएनपी ट्रांजिस्टर, बोर्ड पे देखो दिस इज ए पी एन पी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर नाउ दिस इज पीएनपी। हेलो यहां देखो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर, यहां से पी से एनोड निकला है, पी से एनोड। हेलो ये पी है, हेलो ये पी है, ये एन है और ये पी है, पी से मेरा एनोड निकला है, दिस इज एनोड। नाउ दिस इज माय एनोड, ओवरऑल एनोड, एससीआर का ये एनोड है और यहां पर करंट डिफाइन कर रखा है। कितना करंट एनोड टर्मिनल पे दिखाई रखा, दैट इज आई ए। हेलो दिस इज फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपका पी है, ये वर्टिकल लाइन पी है, ये एन है और ये पी है, ठीक है। अब मुझे बताइए इनमें से एमीटर कहां पर दिखाएंगे। हेलो इस पीएनपी, ये पहला पीएनपी, ये पहला ट्रांजिस्टर है, पहले ट्रांजिस्टर को हम बोले क्यू वन, ट्रांजिस्टर को क्यू से प्रिंट करते हैं, पहला ट्रांजिस्टर दिस इज क्यू वन। हेलो अब ये बताओ इस ट्रांजिस्टर में एमीटर किसको मानेंगे, इसको एमीटर मानेंगे कि इसको एमीटर मानेंगे। हेलो यहां देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका एमीटर टर्मिनल दिखाते हैं, एमीटर टर्मिनल उसको मानते हैं जहां पर करंट डिफाइन, किस टर्मिनल पे, एनोड टर्मिनल पे करंट डिफाइन है, तो इसको एमीटर मानेंगे, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर होगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एमीटर करंट होता है वो करंट में इन करता है। नाउ दिस इज द इन, तो यहां पर मैं एरो लगा रहा हूं, दिस इज एमीटर, यहां पर करंट डिफाइन है तो एमीटर है, यहां से करंट इन करेगा, इन, ठीक है, दिस इज इन, ठीक है, ये एमीटर हो जाएगा, दिस इज ओवरऑल एमीटर। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, दिस इज एमीटर, पीएनपी पी, ये वाली वर्टिकल लाइन एन और ये वाली वर्टिकल लाइन फिर से पी। ये कौन सा टर्मिनल है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर है, ये बेस है और ये आपका कलेक्टर है। एमीटर क्यों माना, क्योंकि इस टर्मिनल में करंट डिफाइन था इसलिए इसको एमीटर माना, ठीक है। और एमीटर, चलो पहला ट्रांजिस्टर है तो इसके एमीटर करंट, एमीटर करंट इनसाइड होगा, दिस इज आई वन। अगर एमीटर से करंट इन कर रहा है, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट आपका
एमिटर ट्रांसमिशन करता है तो बेस और कलेक्टर से करंट क्या करेंगे, लीव करेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट आई बी वन हो जाएगा और ये आपका आई सी वन। पहले मैं बना देता हूं पूरा, ध्यान से देखिए, ये तो मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। चलो मैं सही से बना देता हूं, पहले ध्यान से देखिए, फिर मैं सारी की सारी चीजें डिफाइन कर दूंगा। पहले मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज ये ऊपर वाला, हेलो, ये ऊपर वाला है पी, फिर एन, फिर पी, तो तीन वर्टिकल लाइन है। नाउ दिस इज ये वर्टिकल लाइन हो गई पी, ये वर्टिकल लाइन एन, और ये हो गई पी। ठीक। नाउ अब हम देखेंगे कि पहला वाला जो ऊपर वाला पी है, ऊपर वाला जो पी है उससे कैथोड कनेक्ट है। नाउ दिस इज द एनोड, नॉट कैथोड, दिस इज एनोड। एससीआर के एनोड टर्मिनल है। नाउ दिस इज द एनोड टर्मिनल, ये एनोड है और इस टर्मिनल पे आपका करंट डिफाइन है। एनोड टर्मिनल पे एनोड करंट होता है, क्योंकि इस टर्मिनल पे करंट आ रहा है, जिस टर्मिनल पे करंट डिफाइन होता है उसको एमीटर मानते हैं। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये एनोड हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिस्टर का एमीटर। एमीटर टर्मिनल पे करंट डिफाइन होता है। नाउ दिस इज द एमीटर टर्मिनल ऑफ दिस, ये बेस हो जाएगा और ये आपका कलेक्टर हो जाएगा। एमीटर टर्मिनल पे करंट डिफाइन, क्योंकि इस टर्मिनल पे करंट डिफाइन था तो मैंने इसको एमीटर मान लिया। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर टर्मिनल से करंट इन करता है, तो एरो भी बना देता हूं। नाउ दिस इज द एरो, हेलो, ये पहली लेयर है एससीआर की पी, फिर ये बीच वाली है एन और ये पी। थर्ड लेयर से क्या कनेक्ट होता है, गेट कनेक्ट होता है, तो गेट भी लिखा है, हेलो, थर्ड लेयर से गेट कनेक्ट होता है, तो यहां पर मैं गेट भी कनेक्ट कर देता हूं। थर्ड लेयर से गेट कनेक्ट होता है, दिस इज गेट, और गेट करंट क्या है बेटा, आईजी। इतना क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, पहला ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया है, दैट इज पी एन पी ट्रांजिस्टर। दूसरा ट्रांजिस्टर क्या है बेटा, हेलो, दूसरा ट्रांजिस्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर, हेलो, दूसरा ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको मैं क्यू वन बोल रहा हूं, एन This is N, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये N है, ये P है और ये N है, P and this is N, ठीक है। Now, अच्छा कैथोड कहां से निकला, N वाले से निकला, ये देखो कैथोड, लास्ट वाले N वाले से यहां से कैथोड निकला, दिस इज द SCR का ये कैथोड है, SCR का ये कैथोड है, और कैथोड टर्मिनल पे करंट डिफाइन है। कैथोड टर्मिनल पे करंट कितना माना है, आई के। ट्रांजिस्टर के जिस टर्मिनल पे करंट डिफाइन होता है उसको ट्रांजिस्टर का एमीटर बोलते हैं। तो यहां पर इस टर्मिनल पे करंट डिफाइन है, तो दिस इज एमीटर, और करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और आपका एनपीएन में होती भी आउटवर्ड है। तो नाउ दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज द ट्रांजिस्टर ये सेकेंड ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको मैं क्यू टू बोल देता हूं, क्यू टू, ठीक है।
नाउ एमीटर का, इस ट्रांजिस्टर का एमीटर क्या होगा, ये एमीटर टर्मिनल होगा, इस ट्रांजिस्टर का ये एमीटर टर्मिनल है, ये मेरा एमीटर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है, ठीक है। नाउ दिस इज द कलेक्टर, नाउ दिस इज द करंट, करंट आउटवर्ड होता है एमीटर पे, करंट आउटवर्ड होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हेलो ध्यान से देखो, हेलो ये इसका एन, हेलो पीएनपी का एन और बेटा एनपीएन का एन आपस में शॉर्ट सर्किटेड, हेलो ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, पीएनपी का एन और एनपीएन का एन, ये शॉर्ट सर्किट, इनको कट किया था, ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, मैं इनको शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट किए दे रहा हूं, दे आर शॉर्ट सर्किटेड। और जरा देखो पीएनपी का पी और एनपीएन का पी आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, ये बेटा पीएनपी का पी और एनपीएन का पी आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, इनको भी मैं शॉर्ट किए दे रहा हूं, और दिस इज लाइक, दिस इज द मॉडल ऑफ टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द एससीआर। किसी को कोई शक हो तो मुझे बता दे, किसी को शक हो तो बता दे मैंने कैसे बनाया, मैंने बिल्कुल क्लियरली बनाया, जैसे मैंने ऊपर फिगर बना था वैसे यहां भी फिगर बना दिया, अब मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया था, तो मैं इसके PNP के P को हटा के आप PNP ट्रांजिस्टर लिखते हैं, तो NPN को हटा के आप NPN, समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि ये इसका P है, ये इसका N है, ये P है, टू ट्रांजिस्टर मॉडल, दो ट्रांजिस्टर है, एक आपके पास PNP ट्रांजिस्टर, दूसरा NPN ट्रांजिस्टर, ये N और P दोनों आपस में शॉर्ट है दोनों के। चलिए समझाने के लिए बना लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत, जिस टर्मिनल में करंट डिफाइन होगा उसको हमेशा क्या मानते हैं, मीटर मानते हैं ट्रांजिस्टर में। चलो अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज ए पी एन पी ट्रांजिस्टर, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा, ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर, रेड कलर से दिखाएं तो इसको भी मैं रेड ही कलर से दिखाऊंगा, आई के And this is cathode. किसी को कोई शक हो तो मुझे बता दे पहले, यहां तक किसी को कोई शक हो इस मॉडल में, कंप्लीट हो गया, आगे चले। चलो अब जरा देखो, ट्रांजिस्टर में एमीटर कलेक्टर और बेस करंट में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पहले ट्रांजिस्टर में आज हेलो, पहले ट्रांजिस्टर में ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट एमीटर टर्मिनल से इन करता है और बेस और कलेक्टर से करंट क्या करते हैं, लीव करते हैं, बना रहा हूं बेटा। नाउ दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन, नाउ पीएनपी ट्रांजिस्टर में पहला ट्रांजिस्टर है तो इसके एमीटर करंट को मैं आई इवन लिख रहा हूं, एमीटर टर्मिनल से पीएनपी में एमीटर टर्मिनल से करंट इन करेगा तो बेस और कलेक्टर से करंट लीव करेगा, बेस पहले ट्रांजिस्टर के बेस करंट को आई बी वन मान रहा हूं और दूसरे पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को आई सी वन मान रहा हूं, ये दूसरा ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर एनपीएन, एनपीएन में एमीटर टर्मिनल से करंट क्या करता है, लीव करता है, एमीटर टर्मिनल से
करंट लीव करता है, तो इसके एमिटर करंट को IE2 मान रहा हूं। और बेटा अगर एमिटर टर्मिनल से करंट लीव करेगा तो कलेक्टर और बेस से करंट क्या करेंगे, इन करंट, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस करंट को IB2 और कलेक्टर करंट को IC2 मान रहा हूं। अगर कोई कभी पूछे ये जो बेस करंट है, लो ट्रांजिस्टर वन का जो बेस करंट है क्या वो आपके दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के बराबर है, बिल्कुल दोनों करंट बराबर है। और यहां पर ध्यान सुनिए, हेलो ध्यान सुनिए ये चीज, पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट और दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट दोनों बराबर है, ठीक है। चल जब जरूरत होगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। सर खाना बना रहे, भूख लगी है जोर से, बस 10 मिनट और रुक जाइए। चलिए अब हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला चीज मैंने बताया कि पहले ट्रांजिस्टर का बेस करंट दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बराबर, जब जरूर से लिखूंगा, हेलो पहले ट्रांजिस्टर का, हेलो पहले ट्रांजिस्टर को जो एमिटर करंट है वो थायरिस्टर का एनोड करंट, या एनोड करंट ही इसका एमिटर करंट है, जब जरूरत होगी लिख दूंगा एनोड करंट ही एमिटर करंट। और बेटा दूसरे ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है वही आपके थायरिस्टर का कैथोड करंट है, जब जरूरत होगी लिख दूंगा। चलो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इन ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में मैंने एक रिलेशन बताया था कि किसी भी ट्रांजिस्टर में चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, कलेक्टर करंट होता है अल्फा टाइम्स ऑफ एमिटर करंट प्लस लीकेज करंट, दैट लीकेज करंट इज नथिंग बट कॉल्ड द आईसीबीओ। लीकेज करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईसीबीओ, दैट इज कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ये रिलेशन ट्रू है किसी भी ट्रांजिस्टर में, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन, ये रिलेशन ट्रू है। तो इस ट्रांजिस्टर में भी आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के करंट और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, एमिटर करंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो इन ट्रांजिस्टर नंबर वन, हेलो बोर्ड पे लिखो, इन ट्रांजिस्टर क्यू वन, पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा, अगर मैं उसको एमिटर करंट के टर्म में लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो आईसी वन, हेलो पहले ट्रांजिस्टर का गेन और दूसरे ट्रांजिस्टर के गेन बराबर होंगे क्या, नहीं, हेलो दोनों के गेन अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांजिस्टर है। पहले ट्रांजिस्टर का गेन मैं अल्फा वन मान रहा हूं, करंट गेन को अल्फा वन मान रहा हूं और दूसरे ट्रांजिस्टर के करंट गेन को अल्फा टू मान रहा हूं। दिस इज द करंट गेन, करंट गेन, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो गेन भी अलग अलग होंगे, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन। तो बेटा पहले ट्रांजिस्टर में अगर मैं लिखूं कलेक्टर करंट आईसी वन कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा वन इंटू पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट प्लस पहले ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट, हेलो पहले ट्रांजिस्टर के लीकेज करंट मतलब क्या होगा, आईसीबीओ वन, ICBO1, वन का मतलब क्या है, पहले ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट है, हेलो दिस इज ए लीकेज करंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस इन Q1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हेलो पहले ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है, हेलो पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट थायरिस्टर के एनोड करंट के बराबर है क्या, एनोड करंट इज नथिंग बट द फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट। यहां देखिए तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं, पहले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा दिस इज अल्फा वन, हेलो पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट थायरिस्टर का एनोड करंट है, दिस इज आई ए प्लस ICBO1, इसी एनोड करंट को निकालना है, अभी मैं इसी एनोड करंट को निकालने जाऊंगा। दूसरे ट्रांजिस्टर में मैं जा रहा हूं, इन ट्रांजिस्टर टू, जल्दी जल्दी लिखे बेटा,
इन ट्रांजिस्टर नंबर टू, दूसरे ट्रांजिस्टर में अगर मैं कलेक्टर करंट निकाल, दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट क्या होगा, दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ द दूसरे ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट प्लस दूसरे ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट। हेलो, दिस इज आई सी टू इज इक्वल टू अल्फा टू आई टू प्लस आई सी बी ओ टू। दिस इज द लीकेज करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस इन क्यू टू। हेलो, और आप देखेंगे जरा, हेलो, यहां पर अगर मैं बात करूं कि दूसरे ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है वो थायरिस्टर के कैथोड करंट के बराबर है। हेलो, कैथोड करंट के बराबर लिख रहा हूं बेटा, अल्फा टू इंटू आई के कैथोड करंट आई सी बी ओ टू। इसी को यहां तक दिक्कत हो इन दो रिलेशन में तो मुझे बताए, इन दो रिलेशन में कोई दिक्कत हो तो बताए। मुझे एनोड करंट निकालना है, एससीआर का एनोड करंट गेट का फंक्शन होता है, गेट करंट का फंक्शन होता है। भूख लगी, रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, देख रहा हूं मुझको जो है पीठ दर्द हो रही तो भी मैं पढ़ा रहा हूं। चलो अब जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे, चलो अब जरा देखो। हेलो, हमेशा कोई भी ट्रांजिस्टर एक क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी ट्रांजिस्टर में आप क्या कर सकते हैं, केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। पहले ट्रांजिस्टर में केसीएल अप्लाई करेंगे, अगर पहले ट्रांजिस्टर में केसीएल अप्लाई करेंगे तो दैट इज पहले ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट होगा वो बेस और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा। तो देख लो बेटा, इन अप्लाई केसीएल किसी भी ट्रांजिस्टर, ठीक है, देखें किसी भी ट्रांजिस्टर के राउंड केसीएल लगा सकते हो, तो अप्लाई केसीएल क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर वो क्लोज पाथ है, अप्लाई केसीएल इन ट्रांजिस्टर क्यू वन, अप्लाई का केसीएल इन ट्रांजिस्टर क्यू वन लिखे में। हेलो, तो आप देखेंगे अप्लाई द केसीएल इन ट्रांजिस्टर वन, ट्रांजिस्टर वन में केसीएल अप्लाई कर रहा हूं किसी भी ट्रांजिस्टर, तो आप देखेंगे ट्रांजिस्टर वन का जो एमिटर करंट होगा वो आपके बेस और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होगा। दिस इज नथिंग बट द हेलो आई ई वन, पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट पहले ट्रांजिस्टर के बेस करंट और पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट के बराबर है ना। हेलो, अब जरा ध्यान से देखो, पहले ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है वो आपके थायरिस्टर के एनोड करंट के बाद, तो बेटा एमिटर करंट पहले ट्रांजिस्टर का एनोड करंट लिख सकता हूं, और
पहले ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के आपके कलेक्टर करंट के बताइए आई बी वन की जगह मैं आई सी टू लिख सकता हूं और बेटा आई ई वन की जगह मैं एनोड करंट लिख सकता हूं, ठीक है। तो पहले ट्रांजिस्टर का जो एमिटर करंट है वो थायरिस्टर के एनोड करंट के बराबर है, पहले ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो दूसरे थायरिस्टर के कलेक्टर करंट के बराबर है। हेलो, यहां से देखो एनोड करंट आ गया, एनोड करंट इज नथिंग बट द सम ऑफ द पहले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट प्लस दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट। और अभी अभी जो है, हेलो, ऊपर मैंने आपको पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को एनोड और कैथोड, थायरिस्टर के एनोड कैथोड के टर्म में लिखाया हुआ है, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। हेलो, आईसी वन और आईसी टू की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। आईसी वन, हेलो, आईसी वन क्या हो जाएगा, एल्फा वन प्लस आईए प्लस आईसीबी वन, पहले ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट आईसीबी नॉट वन, दैट इज पहले ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट। आईसी टू क्या है, दिस इज एल्फा टू, नाउ दिस इज कैथोड करंट ऑफ थायरिस्टर प्लस दूसरे ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट आईसीबी नॉट टू। यहां से मुझे एनोड करंट निकालना है, हेलो, एनोड करंट निकालना। अच्छा यहां पर देखो, ध्यान से देखो, हेलो 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 हेलो, यहां देखो SCR कैसी डिवाइस है बेटा, SCR भी आपका जो है एक सर्किट होता है, SCR भी आपका क्लोज पाथ को फॉर्म करता है, SCR चिप डिजाइन होता है, SCR के राउंड भी क्या लगा सकते हैं, अभी बताया था SCR, दिस इज द SCR को मैंने टू ट्रांजिस्टर मॉडल के लिए डिफाइन किया है, SCR भी एक क्लोज पाथ को, एक क्लोज बाउंड्री को क्या करता है, फॉर्म करता है SCR, ये SCR है, हेलो, दिस इज SCR, जिसको कि मैंने दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से क्या किया, डिफाइन किया, अभी अभी बताया था SCR में, अगर SCR भी एक चिप होती है, चिप डिजाइन होता है, मतलब सकते हैं SCR के राउंड क्या कर सकते हैं, आप जो है KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो SCR में जो एनोड करंट और गेट करंट का सम होता है वो किसके पास, कैथोड करंट, अभी अभी लिखा है, देखो यहां पर, हेलो, SCR में एनोड करंट, SCR का एनोड करंट प्लस गेट करंट किसके पास, वो कैथोड करंट, यहां से मैं लिख देता हूं, SCR का जो एनोड करंट है और गेट करंट का सम है वो किसके बराबर, कैथोड करंट, यहां लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि SCR में जो एनोड करंट प्लस गेट करंट का सम किसके बराबर, कैथोड, मुझे एनोड करंट निकालना है गेट करंट के टर्म में, एनोड करंट गेट करंट, तो कैथोड नहीं चाहिए, एनोड है, एनोड है, कैथोड नहीं चाहिए, तो मैंने कैथोड करंट को रख रहा हूं एनोड और गेट के टर्म में। नाउ वैल्यू पुट करो, कैथोड करंट की वैल्यू पुट करो, बस आ गया, प्रूफ हो गया, एनोड करंट इज इक्वल टू एल्फा वन इंटू आई ए आई सी नॉट वन एल्फा टू आई ए प्लस आई जी प्लस आई सी बी नॉट टू। क्लियर है, चलो एनोड करंट वाले सारे टर्म एक साथ ले लो, एनोड करंट निकालना है, SCR का जो एनोड करंट है वो गेट करंट का फंक्शन होगा, यहां से आएगा अल्फा वन इंटू आई ए प्लस अल्फा टू इंटू आई ए प्लस आई सी बी नॉट वन प्लस अल्फा टू आई जी प्लस आई सी बी नॉट टू। Now, इन दोनों को बेटा मैं एक साथ लेने वाला हूं, एक साथ लेने के बाद इधर लिया हूंगा, तो एनोड करंट यहां मैं लिख देता हूं, ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने कहां से लिखा है, यहां पर मैं अप्लाई केसीएल अराउंड द एससीआर, एससीआर के अराउंड केसीएल अप्लाई किया, तो एनोड करंट माइनस अल्फा वन इंटू आई ए माइनस अल्फा टू इंटू आई ए दैट इज अल्फा टू इंटू आई जी प्लस लीकेज करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड दिस इज लीकेज करंट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर। यहां से आपके पास थायरिस्टर का जो एनोड करंट है वो आ जाएगा, दिस इज वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू, एल्फा टू इंटू आई जी
ICB01, तो एनोड करंट इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टू इनटू आईजी प्लस ICB01 प्लस ICB02 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. दिस इज द फार्मूला ऑफ एनोड करंट इन द SCR. SCR में एनोड करंट का मैंने आपको फार्मूला निकाल दिया. एनोड करंट किसका फंक्शन है? गेट करंट फंक्शन है. अगर मैं गेट करंट को चेंज करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं गेट करंट को चेंज करूंगा तो क्या मेरा एनोड करंट चेंज हो जाएगा? अगर मैं गेट करंट को बढ़ाऊंगा तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. अब मैं आपको जब भी क्लास लूंगा उसके आगे लिखाऊंगा, सब सुन लीजिए आप केवल. हेलो, तो मैंने प्रूफ किया SCR का जो एनोड करंट है गेट का फंक्शन है. गेट करंट को चेंज करने पे एनोड करंट चेंज होगा. तो SCR में जो आपका एनोड करंट होता है वो गेट का फंक्शन होता है, ठीक है. दूसरा आप देखेंगे जो लीकेज करंट, ये लीकेज करंट है. लीकेज करंट किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, हेलो, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा. लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा तो एनोड करंट बढ़ जाएगा. अगर SCR का करंट बढ़ जाएगा तो उसका ऑन स्टेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे SCR का लीकेज करंट बढ़ता है. लीकेज करंट बढ़ने से एनोड करंट, अगर SCR का करंट बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है. तो दिस इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइस, ठीक है. और हाई गेन डिवाइस होती है क्योंकि आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को मिला के हम बोल सकते हैं दिस इज द आपके थायरिस्टर का गेन है, ठीक है. तो इसके आगे मैं कल आपको दिखा दूंगा, ठीक है. कल नहीं, 2 से 3 दिन की छुट्टी है क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो 2 से 3 दिन की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है. नेक्स्ट क्लास आपकी मैं 20 तारीख को लूंगा, ठीक है, या फिर 22 तारीख से लूंगा, ठीक है. तब तक की आपकी मेरी क्लास ऑफ है, बाकी आपकी क्लास चलती रहेंगी, ठीक है. मिठाई खिला देंगे, ठीक है. तब तक आप रिवाइज करें, उसके बाद मैं क्लास लूंगा. हाँ, लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स. बीजेटी रीजनिंग चलती रहेगी. बीजेटी की शायद 1 या 2 दिन की ऑफ हो जाए आपकी. हाँ, ऊपर कर देना है. आएंगे सर, आएंगे. 1-2 दिन के बोल तो रहा हूं कि बीजेपी की भी छुट्टी हो जाएगी. ठीक है, चलो.